हरीश, तुम आराम से जाओ, इसे मैं देख लूंगी। हाँ? इसे खत्म करने से मेरा बदला शुरू हो जाएगा, तुम जाओ। ठीक है सोनी। गुरुजी, कहाँ है? उस तरफ देखो। हाँ, वहाँ। उस तरफ। ये लो। हाँ। उस तरफ है सूर्या अंकल। देखता हूँ। हाँ, ये लो। हाँ, हाँ। वहाँ, 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 वहाँ। उस तरफ सूर्या अंकल। नीचे गिरा अंकल। और दिखाओ सूर्या अंकल। हाँ, धीरे से। अरे हरीश लेके आओ, उस तरफ भी है। सूर्या अंकल वहाँ। देखो अंकल। कहाँ? हाँ वही वही। हाँ हाँ हाँ। तोड़ो तोड़ो वो। वहाँ वहाँ ये पकड़ो। हाँ हाँ गिराओ अंकल, और गिराओ। मेरी टोकरी तो पूरी भरने वाली है। अरे इंद्राणी, इतने काफी है ना? ये देखो दादी। अरे सूर्या, भर गया। बस नीचे उतरो, दूसरे काम पे लगो। ए लक्ष्मी, घर का काम करो, चलो। जी माँ जी। माँ जी, माँ जी। बोलो क्या बात है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या है, बोलो जल्दी बोलो। आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सोचने के लिए क्या है बताओ। मुझे प्रसाद जी का व्यवहार समझ में नहीं आया। उसके व्यवहार से तुम्हें क्या नुकसान है? उसके व्यवहार से आपको बहुत नुकसान हुआ है। मुझे बताना नहीं चाहिए, उसका व्यवहार हद पार कर रहा है। क्या किया उसने बताओ जरा। निर्दोष लोगों को दोष देना ठीक नहीं है। मुझे उसे दोष देने की क्या जरूरत है? वो इतना निर्दोष नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ये लोगों के शहर से आने के बाद वो बहुत बदल गया है, अलग ही बर्ताव कर रहा है। इंद्राणी के पीछे तो हाथ धो के पड़ा है। तुम कह रही हो वो बिल्कुल सच है। मैं भी उनके व्यवहार को देख रही हूँ। इन लोगों के आने के बाद उसका व्यवहार हद के पार हो गया है। इंद्राणी पर गुस्सा करता, उसे बहुत डांटता था। आखिर वो एक छोटी बच्ची ही तो थी ना, उसका क्या ही बिगाड़ती। मुझे डर है कि उसका व्यवहार किसी मुसीबत में ना ले आए, यही डर है मुझे। आप क्यों डरते हो माँ जी? उसका व्यवहार बदलने को बोलिए, या तो उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। उसे बाहर कैसे भेज दे? हम उसे तब लाए थे जब कोई नहीं था। अगर हम उसे बाहर भेज देंगे जब मेरा सारा परिवार यहाँ आ जाएगा, तो समाज क्या सोचेगा? जो होने वाला होगा देखा जाएगा। Oh, my God.
रुक जाओ पांडो। यस सर। हेड कांस्टेबल। यस सर। ये खतरनाक जगह है, हमें अभी से सावधान रहना होगा। 303। यस सर। 302। यस सर। मेरे साथ आओ। हेड कांस्टेबल। यस सर। तुम पांडू के साथ उस तरफ जाओ। ठीक है सर। लगाया जी। आप इन सब को उस तरफ ले जाइए। ठीक है सर। सावधान रहना, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। 303 तुम यहाँ आओ। लड़की को ढूंढना हमारा लक्ष्य है, चलो। यस सर। यस मेरे पीछे आओ जल्दी। जी सर। आओ सर। आइए आइए सर आइए। चलो आ जाओ, ध्यान से आइए। चलो आइए सर। आइए चलो चलो ध्यान से आइए आइए। एकलिंगम, एकलिंगम, हाँ, क्या हुआ? कहाँ चला गया? बलि के लिए जो बकरे थे वो भी गायब हो गए। एकलिंगम को क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कहीं नाग भैरवी ने तो कुछ नहीं किया? एकलिंगम, नाग भैरवी ने ही कुछ किया होगा। मैं उसका अंत कर दूंगा। एकलिंगम, एकलिंगम, एकलिंगम। पता नहीं कहां चले गए। माँ जी, माँ जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया पिया है, कम से कम ये दूध तो पी लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परेशान मत करो। वो सब तो ठीक है माँ जी, अपनी सेहत के लिए लीजिए। देखिए ना, अब माँ जी दुखी हैं तो हम क्या करें। बाप रे, ज्योति जी और नीलिमा जी भी कल रात बिना खाए पिए ही सो गई। हाँ, वो इस जगह पर आए और बहुत दुखी हो रहे हैं। माँ जी, अगर आप मजबूत होंगी तभी तो हमें अच्छा लगेगा। मैं मजबूत कैसे हो सकती हूँ? मुझे खुशी हुई कि बहू और बच्चे यहाँ मेरे पास आ गए। मैं उनके खेल से खुश हुई थी। उस खुशी में मैं सब कुछ भूल गई थी। इतनी खुशी हुई कि 12 साल का दुख दूर हो गया। लेकिन जिस मंदिर में मैंने नाग देवता की पूजा की,
उसी मंदिर से मेरी पोती गायब है। नाग पंचमी के दिन उसी दिन क्यों रहे हो? मुझे यहाँ कुछ आकृति दिखाई दे रही है। कहाँ सर? मेरे सामने ही है। अरे कहाँ है? सर वहाँ पेड़ ऐसे ऐसे हिल रहा है। अरे पेड़ हिल रहा है ना, हवा से हिल रहा होगा। अरे मेरा समय बर्बाद मत करो, चलो। राम है आकृति। बाप रे। ओम तंत्राय स्वाहा, ओम तंत्रारूपिणे स्वाहा, ओम तंत्राय स्वाहा, स्वाहा, ओम नर्मदाय स्वाहा, ओम धर्माय स्वाहा, ओम तपस्य स्वाहा, सर्प तेज आवाय नख भैरवी आवाय। नख भैरवी तुझे भू स्थापित कर दूंगा। चलो
चलो चलो मिट्टी डालो जल्दी करो चलो और डालो और